तो हमारे पास एक फोल्डर है, फोल्डर में एक पर्टिकुलर डेटा है हमारा, और मुझे इस डेटा को इंपोर्ट करना है, मुझे इस डेटा को इंपोर्ट करना है टेबल इसके अंदर, टेबल के अंदर, और एक के नीचे एक के नीचे। तो क्या है एक बार देख लेते हैं, डेटा ओपन करते हैं इसको, नंबर वन को 6 फाइलें हमारे पास, मान लीजिए 6 फाइल का डेटा को मुझे एक के नीचे एक के नीचे इंपोर्ट करना है इसमें पावर बीआई। तो नॉर्मली एक एक फाइल को तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर फोल्डर को करना है, फोल्डर के सारे फाइल को करना है। तो मैं इसको यहां से क्लोज करता हूं, नोड पे जाता हूं। और यहां से फोल्डर सेलेक्ट करता हूं और कनेक्ट, आपसे यहाँ पे फोल्डर का पाथ पूछेगा। तो मैं फोल्डर का पाथ यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ फोल्डर पाथ पेस्ट कर दूंगा, देन ओके। अब इस फोल्डर में जितने भी फाइल है उसका लिस्ट आपको दिख जाए। अभी आपने अगर लोड पे क्लिक कर दिया तो आपके अंदर जो लोड होगा ये लिस्ट लोड हो जाएगा जो आपको सामने दिख रहा है, लेकिन मुझे सबको कंबाइन करना है। तो यहाँ पे कंबाइन एंड लोड है, कंबाइन ट्रांसपोर्ट है, कंबाइन एंड लोड की बात करते हैं। तो याद रखिएगा इसमें आपको एक चीज देखना होगा कि कौन सा फाइल है जिसमें सारे एक्सर, यहाँ देखिए फाइल लिस्ट दिख रहा है आपको। तो हम वन की बात करें तो इसमें आपका देखिए जैसे यहाँ दिख जाएगा जैन से लेके जैन फेब मार्च जून मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर तक, ठीक है ना। लेकिन कोई कोई ऐसा हो सकता है डेटा जिसमें मान लीजिए अगस्त ना हो, तो कोई बात नहीं, उससे भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जो पूरा सिक्वेंस है उसी को सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे एक चीज और है, स्किप फाइल विथ एरर, जिस फाइल में एरर है उसको स्किप कर दीजिए एंड ओके। अब देखिए यहां पे 7ों फाइल लोड होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। देखिए आगे डीटी के नाम से अगर डेटाबेस में जाकर देखेंगे तो यहां पे फाइल के नेम और बाकी डेटा आपके सामने, एक एरर आया हुआ है ये दिखा रहा है कि एक एरर है। ओके तो यहाँ पे देखिए 6 तक आ गया, सेजन में एरर था, तो सेजन फाइल तक नहीं आया, सर, लेकिन इस फीचर के लिए ये मैंडेट है कि सिक्स में, सारी सिक्स फाइल्स में आया। सेम फॉर्मेट में हो और जो उनका कॉलम है वो, सॉरी कॉलम हेडर है वो सेम हो। हाँ सेम सेम होना चाहिए। और दूसरी चीज ये याद रखिएगा, हाँ इससे दिक्कत नहीं है कि मान लीजिए किसी में है किसी में नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देता है, बट हेडिंग सेम होना चाहिए। ओके अब ठीक है सर। जैसे कि सर ये क्वेश्चन था, सर ये क्वेश्चन था कि चलिए हमने एक और फाइल इसमें लोड कर दिया 7 नंबर, क्या ये फाइल यहाँ ऑटोमेटिक आएगा डेटा में। तो हम होम पे जाते हैं, एक बार हम उसको रिफ्रेश करते हैं, कुछ एरर दिख रहा है, एक फाइल में एरर है, इसमें एक फाइल में एरर है। अच्छा इसकी एरर दिख रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आगे। सर जी आगे वाला इंस्टॉल हो गए कि फाइल के अंदर में जैसे ही आप फाइल डालेंगे और रिफ्रेश करेंगे वो फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ लोड हो जाए, जी सर, दे रहा है।
सर एक और सिनेरियो हो सकता है कि लेट्स से कि हमने एक एक्सेल फाइल इंपोर्ट की, बट लेटर ऑन हमने उसी के नीचे एक और एक्सेल फाइल इंपोर्ट करनी है, सो और उसको हमें चाहिए कंबाइन व्यू. हाउ कैन वी डू दैट? आप चाहते हैं कि दो एक्सेल फाइल को एक के नीचे कंबाइन करना, राइट? हाँ जी सर, मैंने पहले एक एक्सट्रैक्ट कर ली, वो मेरा लाइव सोर्स हो गया, बट मैं चाहता हूँ कि उसके नीचे मैं एक और लिंक कर दूँ, सो वो कैसे कर हाँ, सकते हैं? तो आपको हम अपेंड क्यूरी जब पढ़ाएंगे, वो पावर क्यूरी का पार्ट है, वो पावर क्यूरी में, ठीक ओके. है ना? फिलहाल उसको नोट. तो अभी आपने देखा कि एक फोल्डर से हमने सारे के सारे फाइल्स पावर बीआई में, एक पावर बीआई नहीं, हम एक्सेल पे भी चीज को कर सकते हैं, ऐसे लोड करें. उसके अलावा हम बार बात करते हैं और क्या क्या सारी चीज. उसके बाद यहाँ पे पीडीएफ है, तो इस पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल को कर सकते हैं यहाँ, ठीक है. और यहाँ पे आपके पास था शेयर फाइल फोल्डर, तो पीडीएफ फाइल में करके दिखा देता हूँ. पर ध्यान रखिएगा, पीडीएफ से क्या होता है कि पर पेज के हिसाब से, समझे, पर पेज के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल लॉटरी का एक है मेरे पास, डेटा नाम का है, नोटिस. और एक चीज और ध्यान रखिएगा, पीडीएफ में जो एक्सट्रीम कॉपी होगा ना, वो नहीं आएगा. तो पेज नंबर वन, तो सही से इसको यूज नहीं कर पाया, पीडीएफ फॉर्मेट में, डेटा फॉर्मेट में नहीं है. तो पीडीएफ आपको डेटा फॉर्मेट में होना चाहिए. तो कोई एक डेटा लेता हूं मैं, एक आप एक्सेल फाइल को मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर दूंगा. अब यहाँ हमने पीडीएफ फाइल बना लिया हुआ है. अब पीडीएफ पे जाकर क्लिक करता हूँ एंड कनेक्ट करता हूँ. और यहाँ हम डेटा डाउनलोड में, डेटा वाले पे आता हूँ, डेटा को सिलेक्ट किया एंड ओपन किया. तो पीडीएफ में एक दिक्कत यही होती है कि पेजेस के हिसाब से आ जाता है. देखिए कितने सारे पेजेस आ रहे हैं. तो टेबल वन को सिलेक्ट किया, ये हमारा पहला टेबल दिख रहा है. पेज वन, पेज टू, पेज थ्री, पेज फाइव. तो इसका ध्यान आप रखें, ओके. तो डेटा कनेक्ट करके आप लोग देखिए, कल हम बात करेंगे कि सर्वर की डेटा को कैसे कनेक्ट किया जाता है. और फोल्डर वाले जो ऑप्शन बताई थी, उसका आप जो है थोड़ा सा एंगल चेंज कीजिए, कॉलम डाले, डेटा डालिए, और उसको अच्छे तरीके से आप लोग एक बार करके देखिए. अगली क्लास में हम बात करेंगे सर्वर से कनेक्शन.